मेरे पास में पेट्रोल है और भाई के हाथ में गंगा जल है और कुछ चीज ऐसी है जो मैं और आगे बताने वाला हूँ आपको। पीछे हटो, पीछे हटो यार, दिख नहीं रही है क्या आपको? मुझे दिख रही है यार वो बच्ची, ये देखो ये खड़ी है यार कैमरे में। और ये भाई नहीं भाई नहीं आ रही यार, ये बच्ची बेटा मैं आ रहा हूँ, फिर मैं घूमने का आ रहा हूँ तुम्हारी माँ का। मुझे दिख रहा है क्या बेटा? मुझे दिख रहा है। ईशु भाई कैमरे में कुछ दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है कुछ नहीं आ रहा, मुझे दिख रहा है। एक मिनट, आगे कोई नहीं आएगा ज्यादा, आगे नहीं जाना है उसके पास, ज्यादा मत जाने तो आगे। आपको बोला ना, आपको देखना उसको। हाँ आपको देखना है। एक मिनट रुको, ये रुको, आपको नहीं दिखेगी वो, गुस्सा मेरे से है वो। ध्यान से आपकी लगी हुई है यार, बताया था चुप मुझे मेरा काम करने दो। आपको देखना ना, विश्वास नहीं है मेरे पर कि वो आज भी मेरे पे गुस्सा क्यों है। समझ चला था, अभी आपकी आंखों के सामने आ जाएगी वो। और अभी तक मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दी यार। मैंने भी तो देख लो, क्या कोई है यहाँ पे? पीछे हटो, अगर कोई हो तो सामने आओ। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यार मनोज जी मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई है, अगर होता तो यार कैमरे में तो ये चीजें रिकॉर्ड होती है ना भाई, आंखों से नहीं दिख रही। अब यहाँ छोड़ दो कैमरे में, आ जाओगी यार कुछ। जो मुझसे गलती हुई है प्लीज, मैं जो पांच भाई यहाँ पे उनको नुकसान मत पहुंचाना, और मैं वापस सिर्फ जो ये आपकी अमानत है वो लौटाने आया हूँ। प्लीज इनके आंखों के सामने आओ, आवाज सुनो। दीपक 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 आगे मत भागो, आप ये जल्दीबाजी मत करो, मैं यहीं से चला जाऊंगा मैं छोड़ के। मैंने आपसे पहले प्रॉमिस करवाया था, साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, आगे नहीं बढ़ोगे। सामने आओ, ठीक है बच्चा सामने आओ, बेटा बच्चा सामने आओ। मैं लाइट करने एक बार आगे दूर दूर तक मुझे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है यार। एक बार सामने हाँ भाई, पीछे जाओ आप, कोई रिक्स नहीं लेगा भरोसा भाई, नहीं जाओगे गुरुदेव ने क्या कहा था? साइड में तो चीजों के सामने नहीं जाओगे, जितने भी आपको मेरी कसम है आगे नहीं जाओगे, जो भी बात करनी है यहीं से करो बेटा। इससे कदम आगे नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, सेफ्टी है अपने पास, लेकिन फिर भी बेटा ये तो ये तुम्हारी माँ की जो मैंने गलती करी है, जो हस्तियाँ उठाई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, और ये तुम्हारी माँ की जो अमानत है वो मैं लौटाने आया हूँ गुरुदेव ने, और जो तुम चाहती थी वो मैं करने आया हूँ। तुम चाहती थी तुम्हारी माँ का मोक्ष वो हिंदू धर्म से, और उनको दफना दिया था, मैं आज उनको उनकी जगह भेज दूंगा, और शायद हो सकता है कि उनके जीव में आपका जीव पड़ा हो सकता है आपका भी मोक्ष हो जाए। प्लीज मैं चाहता हूँ भैया, उसके हाथ में देखो क्या, उसके हाथ में देखो वो जा रही है, लेकिन उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में देखो क्या है। बेटा आपके हाथ में क्या है ये? रुको, कहाँ जा रहे हो आप? बेटा मैं पीछे पीछे आऊंगा आपके, चलो आप चलो, आप रुक जाओ, आप आगे मत जाओ, बोला ना यार आपको, एक बार में समझ में नहीं आ रहा क्या?
वही छोड़ के जा रही है। रुक जाओ, ये कोई तो इशारा दे रही है। आपको बोला था ना गुरुदेव ने इन चीजों के पास नहीं जाना है। अपन जो काम करना है अपने को वो करना है, बस जाने दे उसको। कहाँ जाते बेटा, पीछे पीछे आएंगे। कसम है मुझे मेरे श्रीराम की, जो काम मुझे गुरुदेव ने बोला वो पूरा करूंगा। जो तुम चाहती थी वो भी मैं पूरा करूंगा। फॉलो नहीं करेंगे इतना, इतने दूर रहना है। गंगा जल से गंगा जल डालो पहले, गुरुदेव ने जो बताया वो करना पड़ेगा। रुक जाओ, गंगा जल डालो पहले। एक बार भुगत चुके हम, बार बार नहीं भुगतना चाहते। चुके देखो कितनी। आप ताज्जुब करो यार, ये वो है पाउडर, ये वही पावड़ा है। देखो ये क्यों बुझा है पता है आपको? ये पावड़ा कौन सा पता है क्या? नोट ये मुझे पता है, अच्छे से पता है। ये वही पावड़ा है जिसको, जिसने मेरे को भी गुमराह किया था। इसी से मैंने खोद के इसमें हड्डियां बैग में रखी थी मैंने। और ये पावड़ा यहाँ क्यों है उस बच्ची के हाथ में? अभी भी इशारा देना चाहती है, ये वापस खुद खुदवाना चाहती है। गंगा जल रखना ठीक है, ये बंद होना मामूली बात नहीं है बेटा। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को मुक्ति मिले या आप यहाँ से जाना चाहते हो तो हमें वहाँ पे लेके चलो। आगे हो भैया, आगे हो आपकी माँ की कब्र है वहाँ चलो। जितने आप पीछे रहो, बोला ना यार आपको। एक मिनट जो बात करनी है यहाँ से करो। एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे एक मिनट हो जा रही है। मेरे छोटे भाई हो ना, मेरी बात सुन लो। एक सेकंड चुपचाप रहना सर, आप आगे नहीं जाओगे। बेटा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बार के सामने देख सकते हो। बात करना चाहती है वो, तो यहीं से कर लो बात। बोला ना आपको, यहीं से बात करो जो बात करनी है। बेटा मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, जिस चीज के लिए आप मेरे सपने में आ रहे हो वो चीज करने आया हूँ मैं यहाँ पे। और जो मैंने गलती करी है उस गलती की सजा मुझे मिली है और मेरे भाइयों को भी मिली है मेरे कारण। मगर उस चीज को अब माफ कौन करेगा? आप ही करोगे, और आपकी माँ ही माफ कर सकती है। अगर आपकी माँ आज भी गुस्से में है तो उनको समझाओ जाके कि हम यहाँ जो चीज करने आए ना वो करके जाएंगे। जो चीज आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी माँ की मुक्ति हो तो सीधे आप जाने लग जाना, अगर नहीं चाहते हो तो आप खड़े रहो। चाहते हो आप मां की मुक्ति? जाने दो, जा रही है वो, जाने दो उसे। बोल दिया मैंने, बेटा हम आपके अच्छे के लिए आए, आपकी मुक्ति के लिए। एक तरीके से अगर आप इस वीराने से निकलना चाहते हो तो हमें वहां तक लेके चलो जहाँ पे आपकी माँ की कब्र है। भैया एक चीज़ समझ में आई है मुझे कि इनके साथ गलत हुआ है। ये हिंदू धर्म से थी और इसका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन किसी कुत्तों ने इनको दफनाया है। ठीक है, आज तक गुरुदेव को मैंने पूछा तो गुरुदेव ने मुझे बोला मेरे को 5 दिन का हवन करना पड़ेगा कि इनकी मौत कैसे हुई, उनको भी पता नहीं है। उन्होंने केवल ये चीजें मुझे बताई है कि तूने जो गलती करी ना वो इस चीज की। मेरे कहने का मतलब ये हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार या वहाँ भेजने के बाद मोक्ष होता है, वैसे ही हरिद्वार का तो पता नहीं। गंगा जल से होगा और ये करके ये गंगा जल डालना है जैसा गुरुदेव ने बताया। ये तो भैया घबराना नहीं है, और एक आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखानी है। पहले भुगत चुके हो और हम भी भुगत चुके हैं आपकी वजह से। दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आगे नहीं जाओगे। चीज पे मेरे को भरोसा है कि वो अपनी माँ तक हमें पूछा देगी। मगर एक चीज बताता हूँ मैं आपको, गाइडलाइन शायद हो सकता है कि हमारे को स्टैग भी दे दे, मगर ये चीजें अनिवार्य मतलब दिखाना मतलब गलत है। मगर आज भी अंदर ऐसे ऐसे घाव बने हुए हैं मेरे कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि YouTube की गाइडलाइन है कि हम चोट नहीं दिखा सकते। दोस्तों यहाँ पे और पेट पे और सिर पे तीन जगह इनके टाके आए थे, ठीक है, अभी भी घाव है इनके, इनके भी लगी हुई थी। लेकिन इस बात को लगभग 15 से 20 दिन हो चुके, अब जाके ये रिकवर हुए। लेकिन अच्छे काम के लिए इन्होंने बोला तो हम लोग भी यहाँ पे आए, लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, आप पीछे रहो, अगर वो दिखेगी मैं बता दूंगा आपको। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज बच्ची समझ सकती है मगर उसकी माँ नहीं समझ सकती। उससे घबरा के बच के रहना, वो कुछ भी कर सकती है। गुरुदेव ने एक ही चीज समझाई थी, उसको अगर फॉलो करेंगे ना कुछ नहीं होगा किसी को। वो चीजें दिखे आपको, ज्यादा करीब नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना। गुरुदेव पे भरोसा है मुझे अपने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे डर लग रहा है भाई। बेटा अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए अच्छा करें तो हमें वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे आपकी
माँ की हड्डियां दबा। आ जाओ भैया, डरो मत आप, माँ लेके चलो हमें। सुनो, तो वही इशारा है और ये कुछ कहना चाहती है, या तो है ना इस बच्ची के साथ कुछ ज्यादा गलत हुआ या इसकी माँ के साथ कुछ ज्यादा गलत हुआ। देव हवन के बाद ही बताया, मगर ये बच्ची चाहती है कि इसकी माँ को मोक्ष मिल जाए, हो सकता है। अपन वापस आए हैं और गुरुदेव ने जितना बताया ना उतना ही काम करना है। कैमरे में रिकॉर्ड तो हो रही है ना ये चीज, एक बार कैमरे में चेक कर लेना, सभी को दिखाना है। आ गया भैया, आ गया दादी भैया, एक बार वापस बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को बात करने दो एक बार प्लीज। या बात में रखो, ये सेफ्टी एक तरीके से, ये इसकी माँ की अस्थि है, ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती मेरी जब तक ज्यादा आगे नहीं जाओगे। बस आपको एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के दायरे में रखे, हाँ मतलब की आप दूरी को रखना, क्योंकि ये क्या मेरी जान खतरे में थी, हो सकता है, मगर प्लीज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे तीनों चारों पांचों भाइयों की जान अब सिर्फ आपके हाथ में, आपकी माँ का जो गुस्सा है वो जायज है, ये गलती मैंने करी है, मगर इसकी सजा अब मत दो, बहुत सजा मिल चुकी है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी माँ और आपका मोक्ष हो जाए, बस अगर चाहते हो तो आप आगे आगे चलो, हम पीछे चलेंगे, और आपका पूरा पूरी जिम्मेदारी है कि हमारी रक्षा आप करोगे। अब बेटा हम आपके अच्छे के लिए आए, ठीक है, आपको भी बताया कि हमारे साथ कितना बुरा बुरा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इस जंगल में एक गंदा और घिनौना काम भी हो रहा है, तो वो भी हम बहुत जल्दी बंद करवाएंगे बस। ओ भैया, कुछ चीज समझ में आई मेरे, अरे भैया वो जा रही है, वो लड़की नहीं, उसको जाने दो, जा रही है वो, उसको जाने दो, वो कहीं नहीं जाएगी, वो जा रही है। भैया भैया मनोज भाई, भगवान की कसम, जैसे मुझे मारा ना, शायद उन्हीं गिरों ने इस जंगल में इस बेटी को, इस बच्ची को, यहाँ पे आए है ना तो गुरुदेव ने बोला है सब राज खुल जाएगा, तुम आगे बढ़ोगे तब, वो भी यही आई थी, हो सके जानवर चराने आई हो अपनी बेटी के साथ, किस वजह से कुछ गलत करो, पहले माँ के साथ हो सके बलात्कार करो, फिर बेटी का पता, बेटी भग गई हो किधर, कुछ भी हो सकता है, दोनों को साथ कराए और इसी जंगल में दफना दिया, ये सच्चाई है, ये दफना दिया जबकि वो हिंदू धर्म से थी, ये काम भी उन कुत्तों का ही है, और जैसे अपन ने बोला ना जीतू भैया, देखो उन कुत्तों का सफाया करेंगे, वो सीधा बिना रुके जा रही है, बिना रुके जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया। अब ये मोक्ष के बाद अपना एक और काम हो चुका है, उन कुत्तों को मारना, ठीक है, वो जिंदे नहीं रहने चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती करी है, जो मेरी माँ जिन्होंने राधे भैया उनको लेने गए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, इसीलिए पूरी तरीके से रक्षा नहीं कर सकी, वो है हमीदा मेरी माँ, वो एक तांत्रिक के वश में आ चुकी है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ खत्म हो रखी है, इसलिए वो जा रही है, उसका पीछा करो, समय कम है अपने पास, एक मिनट करो बेटा, मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के पास ले चलो जहाँ कब्र है, हमें पता है बेटा उन कुत्तों ने आपके साथ बुरा करा है, अगर उन्होंने बुरा करा है तो हमें कोई इशारा दो क्या, आपकी माँ की और आपकी जान उन, आप अपना सर हिला सकते हो, आप अपना सर हिला सकते हो, कोई भी इशारा दो हमें, या हाथ ऊपर कर सकते हो अपना, क्या आपके साथ आपके माँ के साथ में उन्हीं गुंडों ने कुछ गलत किया है, उन नक्सलियों ने कुछ गलत करा था, अगर उन्होंने कुछ किया है तो कोई सिग्नल दो, हाथ ऊपर कर रही है, बेटा आपके साथ भी उन्होंने गलत करा था, आप दोनों को उन्होंने ही मारा था, अगर उन्होंने मारा है तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो और आपकी माँ की कब्र के पास लेके चलो, अगर आप दोनों को उन्होंने, भैया यार सही निकला, इन दोनों को उन्होंने मारा है, इन दोनों को उन्होंने मारा है, छोड़ूंगा नहीं उनको, उनका ये आज काम कराने के बाद गुरुदेव से कन्फर्म करके और विद सिक्योरिटी फोर्स के साथ में आएंगे और उन कुत्तों का खात्मा करके चलेंगे। एक काम करो, आप वादा करो मेरे से कि आप, मैं वादा करता हूँ कि उनका, मनोज भाई वादा करो, उन कुत्तों का यहाँ से सफाया करना है, इसकी कसम खा के कहता हूँ, तेरी माँ माँ तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, गलती मुझसे हुई है मगर तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, तेरी बच्ची, उन्होंने जो समय बताया ना वो समय कम है, तेरी बच्ची और तेरा बदला हम लेंगे, पहले ये काम करना है जो समय दिया उससे पहले पहले।